जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टाइम स्टोरी 24 में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि Google Pay ने अपने Google Play Store से Paytm को क्यों हटा दिया दोस्तों, क्योंकि Paytm के Paytm Mall और Paytm Gaming वाले तो ऐप चल रहे दोस्तों, वो शो कर रहे, लेकिन Google ने मेन Paytm को क्यों रिमूव कर दिया उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ऐसे अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा मजेदार बना के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम क्यों हटा, क्योंकि दोस्तों गूगल प्ले क्या करता है कि कौन सी भी ऐप रहते हैं, जैसे कि प्ले पेटीएम पहले ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब पेटीएम ने नए नए तरह के बहुत सारे ऐप लॉन्च कर दिए, जिससे क्या कहता है कि पेटीएम कहता है कि आप इस गेम में चले जाओ, ये गेम खेले अलग वेबसाइट में चले जाओ तो आपको पैसे मिलेंगे। तो गूगल प्ले की पॉलिसी के हिसाब से, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ये कहा गया है कि गूगल ने कहा कि हम ऐसे कौन से भी ऐप को शो नहीं करते जो अलग की वेबसाइट में जाके पैसे कमाएंगे, क्योंकि पेटीएम भी वैसे ही कर रहा। पेटीएम देख सकते हैं पहले बहुत सिंपल सादा था, लेकिन जब से पेटीएम फेमस हुआ तो पेटीएम में बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें आने लग गई, जैसे कि प्ले एंड विन या इतना खेलो इतना दो तो पैसा मिलेगा। तो ऐसे सोच के गूगल प्ले ने इस पे इंक्वायरी बिठाई और गूगल प्ले ने कहा कि आप ऐसी चीजें यूज नहीं कर सकते हमारी वेबसाइट, मतलब हम ऐसी चीजें के ऐप्स हम रखते नहीं है जो अलग से पैसे कमाए। दोस्तों हाँ, पेटीएम ट्रांजेक्शन वाला है, वो भी पैसे कमाता है, लेकिन वो अलग ट्रांजेक्शन है कि ये कहता है कि आप पेटीएम में दूसरे ऐप में जाओ, दूसरी वेबसाइट खोल लिए और वहां से पैसे कमाए, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन गूगल प्ले मानता नहीं। इसलिए गूगल प्ले ने क्या किया, गूगल प्ले ने गूगल प्ले स्टोर से ही पेटीएम को हटा दिया। अब इसमें ध्यान पेटीएम अभी एप्पल के तो प्ले स्टोर में है, लेकिन एप्पल ने अभी ध्यान नहीं दिया, तो एप्पल ने भी ध्यान दिया तो उनको भी ऐसे ही लगेगा और एप्पल भी हटा सकता है दोस्तों पेटीएम का। अब देखते हैं पेटीएम क्या कहता है दोस्तों पेटीएम का, कि पेटीएम बोलेगा हम ऐसी चीजें रखेंगे नहीं, आप प्ले स्टोर में वापस लाए, तो क्या होगा देखते रहेंगे दोस्तों। तो ऐसे अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। क्या अभी देखेंगे दोस्तों कि पेटीएम वापस आएगा गूगल प्ले स्टोर में या नहीं आएगा, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर ने तो उसको पूरा हटा दिया प्ले स्टोर से। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए, ये टेक न्यूज आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।